चेतसाम उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुंबकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म निर्वाण आज कौन पढ़ेगा? बिजल भाई हूँ आज वाणी शो आज आरंभ कर। जी। जय श्री कृष्ण बदाने। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। विजु ना? हाँ हूँ, संभाळू छू, ट्राय करू छू। आई डोंट नो अरे वेदर हेल्प नो नो, यू। मोस्ट वेल। सी, आपड़े त्या भाव ने महत्व छे, सुर ने नहीं। अच्छा, कॉन्फिडेंस दिखाओ। मैं तो गिरी धरे के घर जाऊं जाऊं राना जी, मैं तो गिरी धरे के घर जाऊं। गिरिधर मारो साजो प्रिय तम, देखत रूप लुभाऊं। मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, रहन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भई उठ जाऊं, रहन बिना बाकी संग के लूं, रहन बिना बाकी संग के लूं, जैसे जीऊं रिझाऊं। मैं तो गिरिधर के घर जाऊं राना जी, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। जो वक्त पहिरा वे सो ही पहरूं, जो देवी सो खाऊं, मेरे उनकी प्रीत पुरानी, मेरे उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा, मैं तो उन बिन पल न रहा। जहाँ बैठा वे तित ही बैठू, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बार बार बलि जाऊं। मैं तो बार बार बलि जाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं जाऊं राना जी, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। जय श्री कृष्ण। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। गुड, बहुत सरल। बिजुबेन, बहुत अच्छा यस, गाया आपने। आपके मन से भाई निकाल दो कि आप अच्छा वेरी नहीं गा सकते। सबको बहुत पसंद आया। नाइस। अब इशिता जी हमें ब्रह्म निर्वाण के द्वितीय श्लोक का भावार्थ बताएं।
या इशिता जी। जय श्री कृष्णा, जय हरि श्री ओम, कृष्ण, हरि ओम, सबको हरि ओम। कैन यू हियर मी? क्लियरली। यस, ओके। दूसरा श्लोक है अध्याय 10वां विभूति योग में से, इसको 10/20 बोलते हैं। श्लोक को बड़ा ही पॉपुलर श्लोक भी है, भगवान उवाच भी है। अहम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूताशय स्थित, अहम अधिष्ठा मध्यम च भूता नाम अंत एव च। वैसे तो बड़ा सिंपल सा श्लोक है, और जिसको संस्कृत नहीं भी आती है वो आराम से समझ सकता है कि हरि ये कह रहे हैं कि मैं आदि हूँ, मैं मध्य हूँ और मैं अंत हूँ। तो अहम यानी मैं, आत्मा यानी सोल, गुड़ाकेश यानी अर्जुन का एक नाम है जो निद्रा के ऊपर जिसका वस चलता है। सर्वभूता, यहाँ पे भूत यानी भूत प्रेत नहीं, भूत यानी ऑल एंटिटीज, ऑल लिविंग एंटिटीज, उसमें जो भी जीवित प्राणी है, हर प्राणी आ गए उसमें, ह्यूमंस एनिमल सब कुछ आ गए। अशय स्थित यानी मैं उनके हृदय में वास करता हूं। अहम फिर से मैं, आदि मैं शुरुआत हूं, च यानी और, मध्य यानी मिडिल बीच में, भूता नाम यानी सभी जीवों का अंतः, और मैं ही उनका अंत हूं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हे अर्जुन जो निद्रा पे वश रखता है, मैं वो आत्मा हूं जो निद्रा पे वश रखता है, यानी गुड़ाकेश उनका जो टाइटल है, मैं वो आत्मा हूं जो हर जीव के हृदय में बसता है। मैं ही आरंभ हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत हूं। अब आपको इसका एक सिंपल सा अर्थ, जितना सिंपल, जैसे कि पानी, अब समुद्र है, पानी समुद्र में भी है, पानी उसी को इवेपोरेट होकर के बादल बनता है, वही बादलों में से बारिश होती है, वही बारिश का पानी नदियों में आता है, वही कहीं कहीं वो ग्लेशियर में बन जाता है तो वो बर्फ के रूप में गिरता है। पर बेसिकली वाटर, चाहे वाटर वेपर के फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैस के फॉर्म में हो, उसका जो मूल स्वरूप है वो तो H2O ही रहेगा। और इसी प्रकार से कृष्ण हरि जो कहते हैं कि मैं ही हर जीव के अंतर आत्मा की भी आत्मा मैं हूं। अब आत्मा की आत्मा यानी वो मेरा ही तत्व है, और ये एक प्रकार से अद्वैत जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी इसको यूज किया जाता है कि दो अलग एंटिटीज नहीं है, ईश्वर और भक्त, भक्त और भगवान दो अलग नहीं है, भक्त ही भगवान का हिस्सा है और भगवान ही भक्त में सम्मिलित है। तो दोनों के दोनों एक ही हैं और भगवान ही भक्त के आत्मा के अंदर विराजते हैं, भगवान में ही भक्त इवेंचुअली उसी में विलीन हो जाता है। तो शुरुआत भी ईश्वर से है, मध्य भी ईश्वर है और अंत भी हमारा ईश्वर के ही पास जाएगा। तो ये जब कृष्ण खुद ये बोल रहे हैं तो अब इसमें कोई प्रश्न नहीं बाकी रहता है। देर इज नो फिजिक्स, देर इज नो केमिस्ट्री, देर इज नो साइंस, देर इज नथिंग टू एक्सप्लेन कि हाउ दिस एंटर्स एंड हाउ इट एग्जिट्स, बिकॉज जस्ट एज वॉटर टर्न्स इन टू वॉटर वेपर और वही वॉटर वेपर बादल बनता है, वही बादल बारिश करता है, वही वर्षा से बर्फ भी बनती है, वही बर्फ पिघलती है नदियों के रास्ते, नालों के रास्ते, फिर से सागर में समाहित हो जाती है। तो ये तो आंखों देखी प्रकृति की, साइंटिफिक हमने प्रक्रिया देखी है। अब इसी चीज को जब हम ईश्वर और आत्मा में हम इसको सोचते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल। हरिओम। बहुत सुंदर। इसी तरह अगली बार तीसरे श्लोक का भावार्थ भी, किसी को भी इच्छा हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में लिख देना, तो उनके द्वारा हम तीसरे श्लोक का भी भावार्थ समझेंगे। ये करने से आप भगवद गीता खोलेंगे और वो श्लोक समझने का प्रयास और प्रयत्न करें। इसके लिए हमने ये आरंभ किया। तो आगे बढ़े, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सप्तम, ज्ञान विज्ञान योग। पिछली बार 23वें श्लोक पर विचार किया हमने। अंतवंतु फलम तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसाम।
देवान देव यजो यान्ति मदभक्ता यान्ति माम अपि। प्रकरण क्या चल रहा है? देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने का, देवताओं की उपासना करके कुछ न कुछ सांसारिक फल मिले, उसकी इच्छा उसकी कामना, कोई गलत बात नहीं। हम भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? बालक भूखा होगा तो खाना अपनी माँ से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? अगर पैसों की जरूरत है, कहीं बाहर जाना है, पिता से नहीं मांगेगा तो किससे मांगे? किससे क्या मांगना चाहिए यह हमें समझ में आना चाहिए। माता पिता से जो जीने के लिए आवश्यक है यह चीज मांगनी चाहिए। गुरु से ज्ञान मांगना चाहिए और ईश्वर से स्वास्थ्य और आयुष्य। हमारा स्वास्थ्य हमारा आयुष्य केवल ईश्वर के हाथ में, ना गुरु के हाथ में है ना माता पिता के हाथ। ज्ञान जिस लेवल का गुरु दे सकेगा, माता पिता वो लेवल का नहीं दे सकते। तो ये समझ हमें होनी चाहिए किसके पास क्या मांगना। माता पिता, गुरु और ईश्वर, इनके सामने आजीवन हम मांग सकते हैं, अधिकार है हमारा। इनके पास मांगने से हमारी अस्मिता का प्रश्न नहीं उठता, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट खराब नहीं होता इससे। इनके पास ही हमसे बड़े हैं, माता पिता के साथ सभी हमारे जो बड़े हैं वो आ गए, उनमें चाचा मामा दादा दादी सब ही आ गए उसके अंदर। तो इससे हमारी अस्मिता घायल नहीं होती। गुरु के पास ज्ञान नहीं मांगेंगे तो किसके पास मांगेंगे? इसी प्रकार ईश्वर के पास स्वास्थ्य और आयुष्य, क्योंकि इसके अलावा, ईश्वर के अलावा और कोई ये प्रदान नहीं कर सकेगा। तो इसी प्रकार देवताओं के पास क्या मांगना चाहिए? जो उनके अधिकार में है। अलग अलग देवताओं के अलग अलग फल है। यदि धन की आवश्यकता है तो महालक्ष्मी जी, उनकी आराधना कीजिए। अगर ज्ञान की आवश्यकता है तो सरस्वती जी, इनकी आराधना कीजिए। इनके लिए यही उनका कार्य। हमारे गुजराती में एक कहावत है, लक्ष्मी जी अगर बाल पे तिलक करना है तो मुंह धोने मत जाना, आप मुंह धो के आएंगे तब तक वो दूसरे घर चली गई होंगी। तो लक्ष्मी जी से धन मांगना चाहिए, लेकिन परम क्या है? ये जो हम धन मांगते हैं, धन मिल भी गया, कोई चीज मांगते हैं वो मिल भी गए, एग्जाम में पास होना है, अच्छी वाइफ चाहिए, मिल भी गए, लेकिन कुछ भी परमानेंट है? नहीं है कुछ भी परमानेंट। देवता जो हमें सांसारिक फल देंगे वो सब अंतवंतु, सबका अंत आने वाला है। अंतवत्तु फलम तेषा, ये तेषा यानी उन देवताओं जिसकी आप आराधना करते हैं, उनसे जो फल प्राप्त होगा वो अंतवत्तु है। शिव जी की आराधना की रावण ने, तपस्या की, और शिव जी को रिझाने के लिए, उनके भजन गाने के लिए, स्तुति गाने के लिए रावण ने एक वीणा का निर्माण किया। ये जो वीणा थी वो कैसे बनाई रावण ने शिव जी को खुश करने के लिए? वीणा में नीचे, आप सितार या वीणा में देखो तो नीचे एक वो कोल्लू का जो बनता है कद्दू का वैसा गोलाकार होता है, और एक दंड होता है जिसके ऊपर तार होते हैं। तो वो जो कद्दू जैसा गोल होता है उसकी जगह पे रावण ने अपना एक मस्तक काटा। वो बनाने के लिए 10 मस्तक थे, एक मस्तक उसके लिए काटा। जो वो दंड होता है सितार के ऊपर, वीणा के ऊपर, तानपुरे के ऊपर, वो दंड बनाने के लिए अपने 20 हाथ में से एक हाथ काटा। पौराणिक कथा है ये। और जो तार होते हैं वीणा के, तानपुरे के, वो तार के लिए अपने पेट में से आंत निकाले, इंटेस्टाइन, सातरडा, और भगवान को खुश कर, रुद्र यानी शिव, रोदयति रुद्र, जो रुलाता है वो रुद्र। शिव जी रुलाते क्यों है? प्रलय के देवता है, जब प्रलय करेंगे तो रोना आ जाएगा विश्व को, इसके लिए उनका नाम रुद्र है, जो रुलाते हैं वो। तो रुद्र को प्रसन्न करने के लिए
जो वीणा बनाई वो रुद्र वीणा रावण ने बनाई। तो इस तरीके से देवता को खुश करने के लिए तपस्या की रावण, लेकिन अंत क्या हुआ रावण का? रावण का अंत विनाश, कुछ उसके साथ नहीं आया। कुबेर को उसने बंदी बनाया, सोने की लंका बनाई, पुष्पक विमान उठा लिया, क्या फायदा? एक दिन वो सब छोड़ के उसको जाना पड़ा, क्योंकि देवताओं से आप जो भी सांसारिक बात मांगेंगे, जो भी फल मांगेंगे, उसका एक दिन अंत आएगा। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्प मेधसा। ये कौन मांगता है जिसकी मेधा यानी बुद्धि अल्प थोड़ी होती, अल्प यानी थोड़ा, जिसकी बुद्धि कम होती है वो इनके पीछे पड़ते हैं। देवान देव यजो यान्ति, जो देवताओं को प्रसन्न करेंगे, प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे, उनके ऊपर देवता प्रसन्न होंगे। मद भक्ता यान्ति मामपि। लेकिन जो कोई फल के लिए नहीं, लेकिन मुझ पर श्रद्धा रखकर निस्वार्थ भाव से मुझे मांगेंगे, उनके सामने मैं प्रकट होगा और वो मुझे प्राप्त करेंगे। ये परम लक्ष्य, परम पद भगवान नारायण क्षीर सागर में है, वैकुंठ में है, उनके समीप, उनके पद के पास यानी उनके चरणों में हमें स्थान मिले। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा जो धाम है उसमें एक बार जो आ गया, वहां से वापस संसार में नहीं आना है, अर्थात वो परम पद प्राप्त हो। इसको प्राप्त होगा जो वस्तु मांगता है, उसको प्राप्त नहीं होगा। जो फल मांगता है उसको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि तूने फल मांगा है वो फल दिया मैंने, और जिसका आदि है और जिसका अंत है। अगर तू मुझे मांगेगा तो तुझे परम पद प्राप्त होगा। तो जो मुझे मांगते हैं उसे मैं प्राप्त होता हूं। जो देवता है वो मेरी शरण में रहकर कार्य करते हैं। यदि आप देवता की उपासना करते हो तो आपकी श्रद्धा मैं दृढ़ करता हूं, और देवता के द्वारा जो फल भी मिलता है वो फल मेरे पास से देवता के थ्रू आपको मिलते हैं। कहने का तात्पर्य, भगवान सर्वलोकै महेश्वरम, जितने भी लोक है उसमें जितने भी ईश्वर है, सभी के महा ईश्वर भगवान कृष्ण या भगवान नारायण, ये प्रकरण हमें ये समझा रहा। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, 24वें श्लोक पर विचार करते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम अनुत्तमम। जो अबुद्ध है वो क्या देखते हैं? मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप कैसा है? मेरा स्वरूप अव्यक्त है, ईश्वर परम तत्व के स्वरूप में अव्यक्त है। जो तत्व अणु अणु के अंदर विदित है, सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में, वो तत्व अव्यक्त है। ईश्वर अव्यक्त स्वरूप से सभी अणु अणु के अंदर स्थित है। ये परम तत्व का, भगवान का, ईश्वर का निराकार स्वरूप जो अव्यक्त है। लेकिन जब मैं प्रकृति को अधीन करके कोई कार्य संपन्न करने के लिए पृथ्वी पर स्वरूप धारण करके प्रकट होता हूं, तो मैं मनुष्य की मर्यादा में रहकर जो मनुष्य देह मैंने धारण किया है, जो मैंने अवतरण किया है, उसकी मर्यादा निभाते हुए एक मनुष्य के तरह मैं जीवन जीता हूं। जब भगवान कृष्ण बाल स्वरूप में थे और गोकुल में जाकर सभी के घर से माखन चोरी करते थे, गोपियों को सताते थे, तो गोपियां आकर माँ यशोदा जी को कान्हा की फरियाद करते कि कान्हा हमें बहुत सताता है। तो एक दिन ऐसे ही क्रोध में आकर माँ यशोदा जी ने वृक्ष से कान्हा को बांध दिया और बाल कान्हा बंध भी गया।
अब इस वक्त यदि भगवान एक बालक की मर्यादा में रहकर बंदे नहीं होते और अपना विराट स्वरूप दिखाते माता यशोदा को, और हाथ में सुदर्शन चक्र ले लेते, मुझे बांधा ही कैसे आपने, तो कितना अयोग्य दिखता है। भगवान ने ऐसा नहीं किया है, भगवान ने एक बालक की मर्यादा निभाई और बंध गए माता यशोदा के हाथों से। वैसे ही सारा जीवन, जब मनुष्य अवतार धारण किया तो मनुष्य अवतार की मर्यादा निभाई, इससे भ्रम क्या हुआ। कई मूढ़ लोग, अबुद्धि लोग भगवान कृष्ण को भगवान मानने को तैयार नहीं थे। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, व्यक्ति की तरह आत्मा जब शरीर धारण करता है तो वो व्यक्त होता है। सगुण स आकार, जैसे ही आकार धारण किया कि उसके साथ गुण आए, आत्मा ने शरीर का आकार धारण किया तो सभी गुण आ गए, कोई लंबा कोई छोटा कोई मोटा कोई पतला, ये गुण क्यों आए, क्योंकि आत्मा व्यक्त हुआ। रूप धारण किया, आकार धारण किया तो गुण आए उसके अंदर, लेकिन जब निराकार है तो निर्गुण है, जो अव्यक्त है उसके अंदर कोई गुण ही नहीं, लेकिन है अव्यक्त अवस्था में। लकड़ी के अंदर अग्नि अव्यक्त स्वरूप से स्थित है, तभी तो लकड़ी जलती है। लकड़ी को आग लगाओ, पूरी लकड़ी जलने लगेगी, कहां से निकली ये अग्नि लकड़ी के अंदर से, तो लकड़ी के अंदर अव्यक्त रूप से। मैच बॉक्स, माचिस की एक तीली निकालो और घिसो, क्या होता है, जो आगे का ऊपर का उसका होता है भाग, उसमें से अग्नि प्रकट होती है। जब तक घिसते नहीं हो तब तक अव्यक्त स्वरूप से है, कि जैसे ही माचिस पे घिसा तो जो अव्यक्त अग्नि था वो व्यक्त हुआ, प्रकट हुआ उसके अंदर से। धूल मिट्टी को कितना भी घिसो उसमें से अग्नि प्रकट नहीं होगा, कि वो अंदर अव्यक्त स्वरूप से है नहीं। वैसे ही भगवान ने भले ही मनुष्य का देह धारण किया लेकिन अव्यक्त स्वरूप से उसमें नारायण स्थित है। तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धय, जो अबुद्ध लोग हैं, मैं जब शरीर धारण करके व्यक्त होता हूं तो वो मानने को तैयार नहीं है। उनके मन में ऐसा ही है कि परम तत्व अव्यक्त है, ये तो मनुष्य है। आज जितने भी कौरव सैन्य में थे, कंस के दरबार में थे, कंस स्वयं मानने को तैयार नहीं था कि ये ईश्वर का, भगवान नारायण का आठवां अवतार है ये। उसकी नजर में तो ये एक बालक है, वसुदेव का पुत्र है, जिसने चैलेंज किया कि मैं इनको इसका वध करूंगा कंस का। शकुनी नहीं मानता था, दुर्योधन नहीं मानता था भगवान को भगवान, यदि मानते तो उनके सामने युद्ध करते, उनको मनुष्य स्वरूप में देखा, बचपन से बड़ा होते हुए देखा, तो अबुद्ध लोग मानने को तैयार नहीं थे, ये तो व्यक्त है, शरीरधारी मनुष्य है, ईश्वर तत्व तो अव्यक्त है, वो दिखता नहीं है, ये भगवान नहीं हो सकते, उनको श्रद्धा नहीं थी। इसके लिए तो उनकी बात नहीं मानी, इसके लिए उनके सामने युद्ध करने आए, विनाश हो गया वो सभी का, नहीं पहचान सके भगवान। अहंकार, अहंकार ने उनकी बुद्धि पर, उनके विवेक पर एक आवरण चढ़ा दिया था, उससे वो सत्य नहीं देख सकते। तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धय, परम भावम अजानंतो ममा अव्ययम अनुत्तमम, लोग जानते नहीं, अजानतो क्या नहीं जानते, मैं परम हूं, ईश्वर परम है सबसे ऊपर, एक स्व यानी मैं, पर यानी अन्य दूसरा,
और एक परम, जो सबसे ऊपर है वो परम, ईश्वर परम है। ये परम जो परम तत्व है ईश्वर का सबसे ऊपर, वो नहीं जानते, जो अबुद्य है। क्या नहीं जानते वो? मम अव्ययम अनुत्तमम, मैं अव्यय हूं और उत्तम हूं। अव्यय, व्यय यानी नाश होना, जिसका नाश नहीं होता वो अव्यय। भगवान अजय है, भगवान अविनाशी है। अव्ययम यानी अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता। लोग जानते ही नहीं कि मैं अव्यय हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं परम हूं, मैं उत्तम हूं। 15वें अध्याय में एक सुंदर श्लोक आता है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। पुरुष, पुरुष यानी लिंगवाचक नहीं, स्त्री और पुरुष वाला पुरुष नहीं, जेंडर नहीं, पुरुष यानी आत्मा। द्वाविमौ पुरुषौ लोके, द्वाविमौ दो दो पुरुष है, एक क्षर एक अक्षर। ये जो देह है वो क्षर है, क्षर यानी जिसका नाश होता है। वो संस्कृत में क्ष से शुरू होने वाले सभी शब्द नाश के वाचक है। क्षय, क्षय योग में शरीर का नाश होता है। क्षार, क्षार यानी नमक, पेड़ के मूल में क्षार डाल दो, पेड़ नाश हो जाएगा उसका। जिस जमीन में क्षार नमक है वहां पे कुछ भी नहीं उगेगा, जीव का नाश करने वाला है क्षार। तो क्षर यानी जिसका नाश होता है, देह शरीर क्षर है। क्षर चा क्षर उच्यते, शरीर नाशवंत है, आत्मा अक्षर, जिसका नाश नहीं होता है वो अक्षर। और तीसरा है उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदायत। परमात्मा कहा गया, जिसे परमात्मा समझा गया वो क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष से ऊपर जो है वो उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम इति पुरुषोत्तम। ये पुरुषों में उत्तम यानी नर, मनुष्यों में उत्तम नहीं, जो सभी आत्माओं से ऊपर है, सभी अक्षर आत्माओं से भी जो उत्तम है वो उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। तो भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, ये पुरुषोत्तम है। क्षर देह अक्षर आत्मा इससे भी ऊपर है। बट ये समझेगा कौन? जिसे श्रद्धा है वो समझेगा, जिसको श्रद्धा नहीं उसे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। भगवान स्वयं सामने आके कहे कि मैं भगवान हूं तो नहीं मानेंगे। जब मन में संशय, डाउट, शंका होती है, जब हमारी बुद्धि के ऊपर अहंकार का आवरण आ जाता है, नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि का नाश हो चुका है। हमारे अहंकार ने, हमारी कामनाओं ने, लोभ ने हमें सही और गलत देखने से बंद कर दिया है। तो परम भावम अजानंतो ममा अव्ययम अनुत्तमम, जो अनजान लोग हैं, जो अबुद्ध है, वो मानने को तैयार नहीं है कि मैंने मनुष्य का देह धारण किया है तो मैं परमात्मा नहीं हो सकता। वो नहीं मान रहे कि मैं परमात्मा, मैं अव्यय हूं, मैं अजन्म हूं, मैं उत्तम हूं।
ये तत्व को केवल श्रद्धा के द्वारा ही जाना सकता है, पर जिसकी आंखों पर पर्दा गिरा हो वो मेरे इस अव्यक्त स्वरूप को नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्ध्य। जो अबुद्ध है वो मुझे शरीर धारण करने वाला मनुष्य समझता है। परम भावम अजानंतो, मेरा जो परम स्वरूप है, परम भाव है, उसे वो अनजान है। मैं जो अव्यय हूं, मैं जो उत्तम हूं, उनको श्रद्धा नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं। ये था हमारा 24वां श्लोक। यदि इसके ऊपर कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, या किसी को कुछ शेयर करना हो इस विषय। एनीबॉडी? ठीक है, तो आगे बढ़े। जैसे श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण हाँ जी, श्री कृष्ण बोलो नीता। ने, हाँ, क्षीर सागर एटले विष्णु, बराबर, क्षीर सागर एटले दूध क्षीर नो सागर में, समुद्र। हाँ एमा तो क्षीर क्षत में क्यों छे एटले सर्वनाश। તમે હમણાં યસ, કીધું સંસ્કૃતમાં ક્ષ ઉપરથી જે બી ઓલું હા આવે તો એ હું તમને, પછી હા, એક ક્ષીર શબ્દ સેના પરથી આવ્યો એ મને, આઈલ ફાઇન્ડ આઉટ એન્ડ ટેલ યુ, ઇટ્સ અ ગુડ ક્વેશ્ચન। એક ક્ષ પરથી અને ક્ષીર એટલે દૂધ થાય, શીર એટલે, હા એટલે આપણે શીરપાક કહીએ અને શીર સાગર, એમ તો તો પછી એમ, ક્ષમાપણ છે। હા તો પછી એ સર્વનાશ જેવી રીતે કેવી રીતે થાય? હા એ હું તમને, આઈ ફાઇન્ડ આઉટ એન્ડ ટેલ યુ, એક ક્ષીરમાં ક્ષ કેમ એમાં યુઝ નથી થતો, વિલ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધેટ। ઓકે, એ ગ્રામર નો, સંસ્કૃત વ્યાકરણ નો વિષય છે, હમ, ઇટ્સ અ ગ્રામેટિકલ ક્વેશ્ચન। એનીથિંગ એલ્સ દેટ વિલ ફાઇન્ડ આઉટ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 25 यदि आपके सामने है तो आप भी पढ़िए। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम नाभि जानाति लोको माम अजम अव्ययम्। यही बात को आगे लेकर भगवान समझा रहे हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य, प्रकाश यानी सबके सामने मैं प्रकट नहीं होता हूं। ना अहम प्रकाश सर्वस्य, मैं क्यों, कैसे प्रकट नहीं होता हूं, क्यों नहीं होता हूं प्रकट? योग माया समावृत, ये जो माया है, अपरा प्रकृति, वो आवृत्त है, उसका आवरण है, मैं आवरण चढ़ा देता हूं, इसके लिए सभी लोग मुझे नहीं देख सकते, सबके सामने मैं प्रकट नहीं होता। अभी प्रश्न ये है कि आवरण किसके ऊपर चढ़ा है? भगवान के ऊपर ऊपर आवरण है कि मूढ़ व्यक्ति की बुद्धि के ऊपर आवरण है? दैट इज माई क्वेश्चन। क्या लग रहा है आपको? भगवान कहते हैं कि माया का आवरण है, योग माया का, तो आवरण है किसके ऊपर? भगवान के ऊपर आवरण है कि मूढ़ व्यक्ति की बुद्धि के ऊपर आवरण है? क्या लग रहा है आपको? अ सिंपल मूड क्वेश्चन। व्यक्ति के ऊपर आवरण है, ओके, एनीबॉडी एल्स? सबके पास तो दिव्य दृष्टि नहीं होती, जैसे विभूति योग में अर्जुन गेट्स द दिव्य दृष्टि टू बी एक्चुअली एबल टू ऑब्जर्व द विश्व रूप दर्शन, और वही सेम टू सेम विश्व रूप दर्शन उन्होंने दुर्योधन को भी दिया होता है, बट वो और शकुनी और उसके साथ में कर्ण और उनका पूरा गैंग होता है, वो उस चीज का इम्पोर्टेंस ना तो देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। तो ये जो एक तरह से आवरण है वो डिजर्विंग भक्त के बुद्धि पर से हटेगा तभी वो ईश्वर को देख पाएगा। द आवरण इज इन द इंटेलेक्ट ऑफ द भक्त। ऑन द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट। या नितिन भाई बोलो। इट्स अ काइंड ऑफ यू नो यू कैन कॉल इट अ इल्यूजन और व्हाटएवर। जो आवरण जो है वो किसी के ऊपर नहीं है, वो
परमात्मा और हमारे बीच में है. इट्स लाइक अ वेल, यू नो. सो इट्स एन इल्यूजनरी वेल, एंड वंस दैट इज ऑफ, यू नो, वही बुद्धि में जब वो प्रकाश वो समझ आएगी, तब हमको पता चलेगा कि ईश्वर क्या है और माया ने उसको कैसे हमसे, व्यक्ति से ढक के रखा हुआ है. सो इट्स एन इल्यूजनरी वेल विच इज बिटवीन द लॉर्ड एंड द लॉर्ड अलमाइटी एंड द ह्यूमन बींग. नॉट ऑल ह्यूमन बींग, ये जो आवरण है, पार्डन? नॉट हाँ जी. ऑल ह्यूमन बींग, नॉट आज ऑल ह्यूमन बींग्स, हाँ एनलाइटेंड ह्यूमन बींग्स को, एनलाइटेंड फॉर एनलाइटेंड ह्यूमन बींग्स द आवरण इज नॉट अर्थात देयर. सो एनलाइटेंड का अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि जिनको दिव्य ज्ञान हो गया है, जिनको जिनको जिनका आत्मा और परमात्मा से मिलन हुआ है, तो उनको उनके लिए ये आवरण नहीं है, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा. श्रद्धा के द्वारा, एग्जैक्टली. जिनका योग माया का जो आवरण है वो हट गया, वो भगवान को देख सकते हैं। ये आवरण बुद्धि के ऊपर है। बुद्धि जब तक श्रद्धा निर्माण नहीं होती, तब तक बुद्धि के ऊपर ये आवरण रहेगा। जब श्रद्धा निर्माण होगी, तब ये आवरण हटेगा। अब कितने भी बुद्धिशाली हो, कितने भी बड़े पीएचडी हो, कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, बट ये सभी ज्ञान सांसारिक ज्ञान है, सृष्टि का ज्ञान है, मैटर का ज्ञान है। भगवान इज अबाउ मैटर, भगवान इंद्रियातीत है। आपकी जो पांच इंद्रिया है ना, वो खाली इंद्रियों के विषय का ज्ञान ढूंढ सकेगी, पदार्थ का, पदार्थ की व्याख्या है। जो इंद्रियों के द्वारा जिसकी अनुभूति होती है वो पदार्थ। भगवान की अनुभूति इंद्रियों के द्वारा नहीं होती, ना आंख के द्वारा, ना कान के द्वारा, ना सूंघ के, ना चख के। भगवान इंद्रियातीत है। वो आपकी बुद्धि के ऊपर जो आवरण योग माया का है, वो श्रद्धा के द्वारा जब हटेगा, ज्ञान के द्वारा जब हटेगा, तब जाके आपको ईश्वर का दर्शन होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान पे किसी ने नहीं देखा भगवान का विराट स्वरूप, अर्जुन के सिवा दो व्यक्ति ने देखा, एक अर्जुन ने और दूसरे और किसने देखा, संजय संजय मंत्री, संजय महात्मा ने थे। यस, हम लोग संजय कहते हैं, वो बड़े महात्मा थे, अधिकारी थे, इसके लिए व्यास जी ने उन्हें ये शक्ति प्रदान की थी। और केवल दिव्य दृष्टि नहीं थी, वो सुन भी रहे थे कि क्या संभाषण हो रहा है अर्जुन और कृष्ण के बीच में। वो समझ भी रहे थे कि दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। दिव्य दृष्टि यानी सिर्फ देखना नहीं था, सुनना भी था, और मन में क्या है वो समझना भी था। तो दो व्यक्तियों की बुद्धि के ऊपर से आवरण हट गया था, परम श्रद्धेय। और ये भी ईश्वर की कृपा होती है, तभी होता है। भगवान पे श्रद्धा तो भीष्म को भी थी, द्रोण भी जानते थे नारायण का स्वरूप है भगवान, लेकिन कृपा किसके ऊपर हुई, अर्जुन और संजय। शुद्ध आत्मा जो सरल स्वभाव का है वो अर्जुन, ये शब्द अर्जुन की व्याख्या है। अर्जुन सरल था, कपट नहीं था उसके अंदर, मैनिपुलेशन नहीं था। आज कलयुग है, अगर किसी में मैनिपुलेशन करने को आता है, कपट करने को आता है, तो उसे हम स्मार्ट समझते हैं। लेकिन भगवान की कृपा नहीं हो, संसारिक स्मार्टनेस होगी आपके अंदर, संसार में विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन ईश्वर के नहीं हो सकेंगे कभी भी आप। लोगों के हृदय में स्थान नहीं प्राप्त करेंगे आप। लोगों की बुद्धि आपको आदर करेगी, हाँ इन्होंने अचीव किया, दे विल एडमायर यू, बट रेवरेंस कभी नहीं आएगा। प्रेम सरलता के ऊपर आता है, प्रेम विनम्रता के ऊपर आता है। यदि लोगों का प्रेम प्राप्त करना है, तो सहज जीवन जियो, आप जैसे हो वैसे प्रस्तुत हो। हम आडंबर करते हैं, हम दंभ करते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ, हम जो नहीं है वो ही प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं, और इसे प्रगति कहते हैं। भगवान को ये नहीं चाहिए, भगवान को सरलता चाहिए, विदुर की सरलता चाहिए भगवान।
जो भाव मन के अंदर है वो ही वाणी में, और जो वाणी में है वो ही वर्तन। ये तीनों का सामंजस्य जब होगा तब आप भगवान को प्रिय होंगे। तो ऐसे भक्त के ऊपर जिसने समर्पण किया है भगवान को, ऐसे भक्त के ऊपर जिसको परम श्रद्धा है भगवान के ऊपर, ऐसे भक्तों की बुद्धि के ऊपर से योग माया का आवरण भगवान दूर करेंगे और उनको भगवान का दर्शन होगा। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण अवतार जब हुआ तब बहुत सारे मूढ़ व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, कामना से लोलुप व्यक्ति, किसी को पता नहीं चला कि ये भगवान कृष्ण है, क्योंकि सभी की बुद्धि के ऊपर स्वार्थ का, लोभ का, अहंकार का, ये सब माया का तत्व है। ये सभी गुण, दुर्गुण कहो, गुण कहो, ये अपरा प्रकृति माया से उत्पन्न होते हैं। और ये गुणों का नाम देने की वजह भगवान ने संक्षिप्त में कहा योग माया का उनकी बुद्धि के ऊपर आवरण। तो ये आवरण जिसको श्रद्धा नहीं है उसकी बुद्धि पर चढ़ा हुआ है, उनके और भगवान के बीच में ये आवरण है। जब श्रद्धा निर्माण हुई तो आवरण अपने आप हट गया और भगवान के दर्शन हुए, अर्जुन को हुए और संजय जी को हुए, मंत्री संजय को हुए। तो नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, योग माया से आवृत है तो मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता। मूढ़ो अयम नाभि जानाति, जो मूढ़ है, अज्ञानी है, अयम यानी मुझे, वो मुझे नहीं जानते। मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम अजन्म अव्ययम्। इस लोक में जो मूढ़ है वो नहीं जानते कि मैं कैसा हूं, अजन्म अव्यय। भगवान अजन्म है, जन्म का ज, जो जन्मा नहीं है वो अज, आगे अ लगाओ तो ऑपोजिट हो जाता है। जो अज है, जिसका जन्म नहीं हुआ है, मैं अज हूं ये पता ही नहीं, लोगों ने मुझे बाल स्वरूप में देखा। जब वसुदेव जी यमुना पार करके गोकुल में नंद बाबा के यहां भगवान कृष्ण को छोड़ के गए तो लोगों ने देखा ये तो छोटा सा बाल स्वरूप है, अभी जन्म हुआ है। तो लोग मानने को तैयार नहीं थे कि ये ईश्वर, ये बालक मनुष्य का बालक है, एक सामान्य नर है, जिसने भगवान का यह स्वरूप देखा है वो मान रहे थे। उनके लिए ये भगवान ने कहा कि मैं अज हूं, मनुष्य की मर्यादा में हूं, क्योंकि मनुष्य धारण, जन्म धारण किया है, वो भी कोई कार्य, निश्चित कार्य संपूर्ण करने के लिए मैंने मानव अवतार लिया है। तो जिसने भगवान को सदेह देखा वो मूढ़ व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होगा कि भगवान अजन्म है और अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता, यानी जो अविनाशी है, ना कभी जन्मा है ना कभी जिसका नाश होगा। यही तो परम तत्व के लक्षण है, परम भव, जो कभी जन्मा नहीं है, कभी नाश नहीं होता है। जिसका आज देखो कैसा योग है, आज का श्लोक भी ईशिता जी ने यही एक्सप्लेन किया, अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंतयेव च, आदि भी मैं हूं क्योंकि मैं अजन्म, जन्म हुआ ही नहीं है, अर्थात सबसे पहले मैं था और अंत है ही नहीं, अर्थात सब चले जाएंगे लेकिन मैं रहूंगा। तो जो शुरुआत में भी है और अंत में भी है, वो मध्य में भी है, मध्य में कहीं अदृश्य थोड़ी हो जाएगा कोई, आरंभ में भी है और अंत में भी है। ये खाली जूम मीटिंग में संभव है, कोई आरंभ में मुख दिखा जाता है और अंत में आता है घूम के आधा घंटा, ये जूम में संभव है, लेकिन भगवान के केस में ये संभव नहीं। इसके लिए मैं कभी जूम बंद करके बोलता नहीं, एक दिन प्रयोग करना है मुझे कैसा लगे, बंद करके बोलूंगा
देखते हैं आपका कंसंट्रेशन होता है कि नहीं, बिना देखे आप सुन सकते हैं कि नहीं। तो भगवान के केस में ये नहीं, अगर आदि में भगवान थे और अंत में भगवान है तो मध्य में भी, और इसीलिए तो आगे हमने एक श्लोक किया वासुदेव सर्वम, ये टाइम से रिलेटेड है, वो अगले श्लोक में हम देखेंगे। ये जो सर्वम बात है, ये टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज रिलेटेड टू मैटर नॉट टू ईश्वर। आइंस्टाइन ने कहा समय एक परिमाण है, इट्स अ फोर्थ डायमेंशन, उनकी थियरी ऑफ रिलेटिविटी। भगवान के केस में ये लागू नहीं होता, भगवान समय से अतीत है, समय से ऊपर, काल उनके अधीन है। वो क्या काल से बद्ध है, हम बद्ध है काल से, जबकि भगवान के केस में काल स्वयं भगवान के शरण में है। तो ना हम प्रकाश सर्वस्य, सबके सामने मैं प्रकट नहीं होता, योग माया समावृत, जिनकी बुद्धि माया से आवृत है, जिनको श्रद्धा नहीं है, उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता। मूढ़ो यम ना भी जानाति, जो मूढ़ है वो मुझे नहीं जानते। लोको माम अजन्म अव्ययम्, इस लोक में मैं अजन्मा हूं, मैं अव्यय हूं। जैसे यहां मूढ़ लोग के सामने भगवान प्रकट नहीं होते, वैसे ही अंत में 18वें अध्याय में कहेंगे, हे कृष्ण, हे अर्जुन, ये जो मैंने तुझे भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसको श्रद्धा है उसी को कहना। अगर श्रद्धा नहीं है तो उपदेश पत्थर पे पानी है, उल्टे घड़े पे पानी है। किसी को भी भगवत गीता का उपदेश दो, पहले देखो उसे श्रद्धा है कि नहीं भगवान के ऊपर। श्रद्धा होगी तो वो असर करेगा, नहीं तो वो संशय करेगा, वो शक करेगा, वो डाउट करेगा, और मन के अंदर नेगेटिव क्वेश्चंस ही आएंगे जब वो पढ़ेगा। तो मूढ़ोऽयं ना भी जानाति लोको माम अजन्म अव्ययम्। ये था हमारा 25वां श्लोक। अब समय हो गया है तो अगला श्लोक अगले मंगलवार को हम आरंभ करेंगे। आज यहां पर हमारे सत्संग का समापन करते हैं, लेकिन हमारी जो रीत रिवाज है, कोई प्रश्न होगा तो अवश्य लेंगे। नीता बहन ने छे का क्वेश्चन, अच्छा हाँ बिजल भाई, हाँ बोलो, हाँ बोलो, बेमति आई कौन वुड लाइक बोले टू चलो, से समथिंग। हाँ बोलो। हमणा जे आपणे वात करी कि परमात्मा जो है वो इंद्रियातीत है, तो यस इस पे एक रामायण का प्रसंग शेयर करना हाँ चाहूंगा। श्योर कि सीता स्वयंवर के समय जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को विश्वामित्र उस सभा में लेके गए, तब जनक राजा जो है वो ब्रह्म ज्ञानी है, और वो जब उनको राम प्रभु जी को उन्होंने देखा तो उनका मन बहुत विचलित हो गया, और उस समय उन्होंने केवल इशारों इशारों में ही जो है विश्वामित्र जी से पूछा कि ये कौन है। तो विश्वामित्र जी भी इशारों में उनको जवाब देते हैं कि भाई आप पहचानो कौन है इनको, तो बोले कि ये तो साक्षात परमात्मा है, क्योंकि अगर मेरा कहीं पे ऐसे किसी व्यक्ति को देख के मेरा मन विचलित हो ही नहीं सकता, इतना उनको अपनी भक्ति पे और अपने दृढ़ विश्वास था जनक जी को। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको इशारा किया विश्वामित्र जी को कि भाई आप प्लीज डोंट रिवील माय आइडेंटिटी। हाँ तब विश्वामित्र, तब जनक जी ने कहा लेकिन ये तो इंद्रियों के पर होता है, जो परमात्मा है वो इंद्रियों के भी पर है, लेकिन अगर मेरा मन विचलित होता है तो ये परमात्मा है के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। तभी विश्वामित्र जी ने कहा कि परमात्मा तो इंद्रियातीत है, इंद्रिया परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन परमात्मा तो इंद्रिया तक पहुंच सकते हैं, उनके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तब फिर राम भगवान ने संकेत किया कि मत प्लीज डोंट रिवील माय आइडेंटिटी। तब फिर विश्वामित्र जी ने उनको मिसगाइड करने के लिए कहा कि ये तो राजकुमार है, अयोध्या के राजकुमार है।
जो मैं साथ में ले आया हूँ। तो मतलब द थिंग इज आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस कि जो इंद्रियों के भी परे हैं, तो विश्वामित्र जी का एक्सप्लेनेशन ये था कि इंद्रियां उन तक नहीं पहुंच सकती हैं, लेकिन वे तो इंद्रियों तक पहुंच ही सकते हैं, पर इस तरीके से देखिए, उन्होंने जनक जी को एक्सप्लेन किया था। हाँ जी सर। राजा जनक विदेह ज्ञानी थे, इसके लिए उनकी बुद्धि के ऊपर आवरण नहीं था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उनको उनको संकेत मिला कि ये परम परमात्मा है परम स्वयं है, बिकॉज एग्जैक्टली वो श्रद्धा युक्त भक्त ज्ञानी थे, उनकी एब्सोल्युटली बुद्धि के ऊपर एब्सोल्युटली आवरण नहीं था। वेरी राइट आज ही सरस नितिन भाई, अभी बातों थैंक नहीं आपकी। यू हाँ नीता भाई, योर हाँ टेक। हाँ हाँ हम जयरे फर्स्ट ईयर साइंस में हती त्यारे मारा फिजिक्स ना प्रोफेसर एम कीधु तमे के हिंदी में कही शक्सो, कारण के अमुक सॉरी लोगो सॉरी नॉन गुजराती से। सॉरी। हाँ मैं जब भी फर्स्ट ईयर साइंस में पढ़ती थी तभी फिजिक्स के प्रोफेसर ने बोला था कि फिजिक्स सब्जेक्ट्स इज लिटिल बिट लाइक ड्राई सब्जेक्ट्स। तो उसने बोला कि सब लोग अटेंड नहीं करते हैं, तो कल मैं, तभी तो टेप रिकॉर्डर था जिसमें हम बोल के कैसेट लगा देंगे, आप सब सुन लेना। एक जन ने बोला कि आप कैसेट प्लेयर ला के रखेंगे, तो दूसरे दिन हम सब लोग हमारा कैसेट प्लेयर ला के रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अगर आप जूम पे नहीं आएंगे तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सब दूसरे दिन सुन लेंगे। जूम पे तो मैं आऊंगा लेकिन वीडियो ऑफ रखूंगा, ये बात हाँ मैं तो भी नहीं क्या होता रखूंगा। है, जो प्रत्यक्ष, जो भगवान के प्रत्यक्ष बैठ के हम जो प्रार्थना करते हैं और थिंकिंग में करते हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क हो जाता अरे डेफिनेटली कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि है, बढ़ता है। आप सिर्फ कान से सुनते हो तो आपकी एक ही इंद्रिय इन्वॉल्व हुई, और जब आप देखते हो तो दो इंद्रियां इन्वॉल्व हुई, तो वो दृढ़ होता है कॉन्सेंट्रेशन। और पांचों में सबसे पावरफुल इंद्रिय है आंख हमारी, चक्षु, जब देख लिया तो सब समझ लिया, ये बात होती। पर देखिए कितने बंद है वीडियोस, मेजोरिटी कुछ ही लोग। वीडियो बंद किया होगा क्योंकि कंसंट्रेट करने का है। अगर मैं आप देखती रहूं तो वो जो इमेज है माइंड में फिक्स हो जाती है, पर आप जूम पे खाली बोलते ही रहेंगे तो ऐसा मत कीजिए। नहीं, बट जब प्रतिसाद मिलता है तो बोलने वाले का भी उत्साह बढ़ता है। सब बंद कर दो तो आए बताओ कोई सुन रहा है कि नहीं, कि घूमने चले गए, नो, जूम इट्स चालू लाइक अ कर फीडबैक, इट्स लाइक अ फीडबैक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट फॉर यस द टीचर ऑल्सो इन अ लाइव क्लासरूम ऑल्सो। अगर क्लासरूम लाइव है यस उसमें भी अगर हम केवल शांति, बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस है और सुन रहे हैं, तब भी जो फीडबैक है वो टीचर को नहीं जाता है। या तो ये बहुत अच्छे से समझ गए सारे, या तो कुछ नहीं समझे, कुछ बट ही नहीं डज नॉट गेट समझे। फीडबैक अनलेस एंड अंटिल देर इज इंटरेक्शन। यस आई नहीं नहीं अग्री। बीजल भाई, मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ और ये बिल्कुल होना ही चाहिए लोगों को, क्योंकि क्या रहता है ना कि वो विजुअली जब आप देखते हो सब लोगों को और जो लोग इंटरेक्ट करते हैं ना, तो ही उससे क्या होता है, जैसे आज ये नितिन भाई हैं, इन्होंने जो रामायण के बारे में चर्चा की, इससे क्या होता है कि अपनी भी नॉलेज बढ़ती है। जैसे आज मेरे को रामायण का बहुत अच्छा लगता है, तो नितिन भाई ने आज बहुत कुछ रामायण के बारे में, जनक जी के बारे में, राम भगवान विश्वामित्र जी के बारे में चर्चा की, तो अच्छा लगता है। अगर मेंबर इंटरेक्ट करते हैं ना तो आप बीजल सर को भी अच्छा लगेगा कि और ज्यादा उसको एक्सप्लेन करे। और बिल्कुल सही बात है, अगर बीजल सर भी अपना वीडियो बंद करके बोले तो अपने को भी आनंद नहीं आएगा। तो नहीं मैं टोटली अग्रीड हूँ आपसे। आप समझिए, एग्री एग्री आप लोग जब सुन रहे हैं तो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आपका यस इंटरेस्ट तो बना हुआ है। मैं वो बोल रहा हूँ जो मुझे ऑलरेडी पता है, तो मेरा उत्साह कैसे बढ़ेगा आपके एक स्मित से, आपके चेहरे पे जो एक स्माइल आती है, आपकी आंखों में जो मैं देखता हूँ कि श्रद्धा देखता हूँ, जब तब बोलने वाले का भी उत्साह बढ़ता है। हाँ भाई यस, हम जो कर सच रहे हैं लोगों को अच्छा लगता है, ये हमारा उत्साह बात। बढ़ा। बट ये पता कब चलेगा, जब वीडियो ऑन होगा तब। वेरी ट्रू बीकन पे। यस तो हो सके उतना आप चालू रखें, यस ठीक है। चलिए, काफी लोग जो रखते हैं वो रखते ही है। अच्छा
हमारे रीता बहन का वीडियो हमेशा चालू रहता है, बट अभी दो टाइम से आए नहीं। दिव्या बहन तुमने खबर छे क्या छे, रीता बहन बारगाम गया छे? ना ने अब नीता भाभी छे ने सप्ताह हाँ चाले छे એટલે મૌન વ્રત થયું છે. मुंबई में હા છે કે મને નથી બારગામ? ચાલ પાર્લામાં જ છે અને અમારે બીજું એમના આ સંન્યાસ આશ્રમ માં ચાલે છે. હા, અચ્છા, એ મારા ભાભુની પાછળ સપ્તાહ બેસાડી છે હા એટલે બધા ત્યાં બિઝી છે. અને પ્લસ એમના હમણાં વેવાઈ ગુજરી ગયા 2 દિવસ પહેલા એટલે કદાચ ન હોય. કોણ ગુજરી ગયું છે? બોલો. એમની વહુના ફાધર, અચ્છા નીતા ભાભી નહીં, વહુના ફાધર. અચ્છા હા એટલે કદાચ ન હોય. હજી હું અચ્છા ઇન્ડિયા નથી પહોંચી ચાલો, એટલે કદાચ વાત ન થાય મારેથી. સરસ, સારી ચર્ચાઓ થઈ આજે. પ્રાર્થના કરીએ. કર ચરણ કૃતમ વાક કાયાજમ કર્મજમ વા શ્રવણ નૈનમ જ વા માનસ વા પરાધમ વિહિતમ વિહિતમ વા સર્વમેતત ક્ષમસ્વ. જય 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 કરુણાબ્ધે શ્રી મહાદેવ શંભો. ઓમ શાંતિ 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 શાંતિ. શાંતિ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ, કૃષ્ણ. જય શ્રી સર્વને કૃષ્ણ, જય શ્રી જય શ્રી કૃષ્ણ, કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ વિજલભાઈ.